हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है काजल और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल अपडेट्स में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप स्टेट बैंक का योनो SBI मोबाइल बैंकिंग ऐप यूज़ कर रहे हैं तो उस ऐप में आप कैसे फिंगरप्रिंट से लॉगिन कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप फिंगरप्रिंट लॉगिन एक्टिव कर सकते हैं, और बहुत सारा नया फीचर भी इसमें लाया गया है योनो SBI में। इसका जो लॉगिन का इंटरफेस है वो भी बहुत चेंज हो गया है। तो अगर आप अभी तक अपना योनो SBI ऐप अपडेट नहीं किए तो ज़रूर उसे अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि अपडेट आप अगर नहीं करेंगे तो आपको शायद फिंगरप्रिंट का जो लॉगिन ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिले। तो चलिए, आप अपना जो योनो SBI ऐप है उसको अपडेट कर लीजिए। मेरे यहाँ पे देखिए, प्ले स्टोर में मैं योनो SBI ऐप ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए, दो ऑप्शन मुझे देखने को मिल रहा है, अनइंस्टॉल और ओपन, यानी मेरा ऐप में अपडेट कर लिया। अभी यहाँ पे ओपन करूँगा। देखिए, जैसे ही ओपन किया, यहाँ पे इस तरह से पुराना जो सिस्टम था इस तरह से पहले भी दिखाता था कि ओपन हो रहा है, यू ऑनली नीड वन जो लिखा हुआ था, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे देखिए, लॉगिन का जो इंटरफेस था, जो पेज था, यहाँ पे सिर्फ लॉगिन का ही ऑप्शन था, और यहाँ पे अभी आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला ऑप्शन है लॉगिन, सेकेंड है व्यू बैलेंस, थर्ड है क्विक पे। यानी अगर आपको सिर्फ आपका बैलेंस इंक्वायरी करना है तो भी आप सिर्फ व्यू बैलेंस में क्लिक करके आपका पिन नंबर देके बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, और अगर आपको क्विक पे से ट्रांसफ़र करना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्विक पे का ऑप्शन अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। देखिए, यहाँ पे पेमेंट आर नाउ मेड क्विक एंड सिंपल कमिंग सून, यानी अभी तक इसको एक्टिव नहीं किया गया है, सिर्फ ऑप्शन ही दिया गया है। मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों में ये एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही एक्टिव होगा मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है उससे लॉगिन कर सकते हैं, कैसे एक्टिव कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पे पुराना जो भी आपका MPIN था उसको आप एंटर कीजिए। मैं यहाँ पे मेरा MPIN लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद पुराना जो भी इंटरफेस है इस तरह का इंटरफेस आ गया है, और नीचे की तरफ आपको आना है। यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट जो मेनू है इसमें क्लिक कर देना है, और क्लिक करते ही ऊपर देखिए इमरजेंसी के अंदर यहाँ पे मैनेज पिन का एक ऑप्शन है, उसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का और एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ जो सेकेंड लास्ट ऑप्शन है इसमें लिखा है इनेबल डिजेबल बायोमेट्रिक फॉर योनो एक्सेस, तो आपको सिंपली इसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे इस तरह का और एक इंटरफेस आता है। यहाँ पे इनेबल डिजेबल टच ID ऑथेंटिकेशन, इसको देखिए यहाँ पे ऑफ किया हुआ है, इसको आपको ऑन करना है। ऑन कर दीजिए, और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का एक चेकबॉक्स है, इसको टिक कर दीजिए, और नीचे सबमिट बटन में क्लिक कर दीजिए। जैसे सबमिट में क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा आपका फिंगरप्रिंट देने के लिए, तो आप इसमें फिंगरप्रिंट दे दीजिए। देखिए, जैसे ही फिंगरप्रिंट में दिया, आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हुआ होगा नेट बैंकिंग में, उसका उसमें एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे एंटर करना होगा। देखिए, यहाँ पे मैं OTP एंटर कर दिया, और इसमें सबमिट बटन में क्लिक कर दूंगा। देखिए, जैसे ही सबमिट बटन में क्लिक किया, यहाँ पे एक मैसेज भी आ चुका है, टच ID हैज बीन इनेबल्ड, यानी आप जो है फिंगरप्रिंट से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आप मैं आपको दिखाऊंगा लॉग आउट करने के बाद कि कैसे फिंगरप्रिंट आप एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लॉग आउट कर दिया, और फिर दोबारा मैं यहाँ पे योनो एप्लीकेशन ओपन करूँगा। देखिए, यहाँ पे योनो एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, और देखिए इस तरह का जो योनो का लॉगिन पेज है आ गया। और यहाँ पे व्यू बैलेंस में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए व्यू बैलेंस में क्लिक किया, और यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आप MPIN से लॉगिन कर सकते हैं, आप User ID से भी लॉगिन कर सकते हैं, और नीचे यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बायोमेट्रिक लॉगिन। तो सिंपली आपको यहाँ पे टच करना है और नीचे बायोमेट्रिक देना है। अब जैसे ही बायोमेट्रिक देंगे, देखिए यहाँ पे आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो बैलेंस यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। आप इसमें से व्यू ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी पुराना लॉगिन ऑप्शन था वो अभी तक है। यहाँ पे आप लॉगिन में क्लिक करेंगे तो उस तरह जो भी MPIN और User ID है इस तरह से आ जाएगा। तो आप अभी जो है आपका योनो एप्लीकेशन में लॉगिन ना करके भी आप बैलेंस सिर्फ बैलेंस चेक कर सकते हैं, और बैलेंस चेक करने के लिए आपका फिंगरप्रिंट से ही बैलेंस चेक हो जाएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया जो फीचर है SBI के तरफ से योनो के अंदर लाया गया है, बहुत बढ़िया है।
आपके लिए एम पिन और यूजर आईडी पासवर्ड की भी जरूरत नहीं होगा, सिर्फ आपका फिंगरप्रिंट से ही लॉग इन करके आप बैलेंस देख सकते हैं। तो जो भी अपडेट था SBI की तरफ से योनो से रिलेटेड मैं आपको बताया। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और आपका फ्रेंड्स फैमिली जो भी है उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस फीचर के बारे में पता चले। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद।